Hello friends, welcome to abhipedia. And in this video, we're going to talk about how to prepare geography section of CAPF assistant commandant exam. Let's start. So first of all, we should know that how many questions are coming from this section. So by analyzing the trend of last 5 years, that is from 2014 to 2018, you should know that in 2014 and 2015, 15 and 16 questions have been asked. That is around 30 to 32 marks of the questions are being coming from this section. Then in 2016, the importance of geography has been increased. How? Because in 2016, around 20 questions have been asked from this section, which again took the score from 30 to 40. Next is 2017 and 2018. 2017 or 18 के अंदर question जो आए हैं वो हैं exactly 17 in number. 17 question पूछे गए हैं और जिससे कि importance बनती out of 250 marks, 34 marks. That's why the geography section become very important. However, to prepare for geography, what you need to do is to divide how many questions are coming from the Indian geography and how many questions are coming from the world and physical geography. So from if you analyze again from 2014, so 2014 के अंदर 15 question पूछे गए थे, जिसके अंदर से Indian geography के कितने question थे? 7 question थे. 2015 में Indian geography के 5 question थे. 2016 में Indian geography के जब 20 question पूछे गए थे, तो Indian geography के 7 से 8 question थे. Again 2017 के अंदर Indian geography के question थे 17 में से 7, और 2018 में भी same trend चला, 6 question थे 17 के अंदर से. लेकिन इशू ये है कि अगेन जब हम सिलेबस की बात करते हैं, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी का सिलेबस एक तरह से मर्ज भी करता है और काफ़ी अलग भी है, और सिलेबस है जो ज्योग्राफी का बहुत वाइड भी है. इसीलिए रादर देन गिविंग यू कंप्लीट सिलेबस, आई एम गिविंग यू द माइक्रो लिस्टिंग ऑफ टॉपिक विच यू नीड टू प्रिपेयर इन डिटेल फॉर दिस यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम. सो लेट्स सी द सिलेबस. तो पहला जो सिलेबस के अंदर है, द फर्स्ट थिंग विच यू नीड टू डू इन सिलेबस इज वी गोना डिस्कस फिजिकल एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी. तो फिजिकल और वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो आपने देखना पहला टॉपिक है वो है ओरिजिन ऑफ अर्थ. ओरिजिन ऑफ अर्थ मतलब कि कैसे अर्थ बनी, क्या क्या थ्योरीज हैं अर्थ की बनने की, उसके अलावा क्या प्रोसेस था, डीगैसिंग जो हुई वो कैसे हुई, और कैसे आज के दिन हमारा जो एटमोसफेयर है और अर्थ है उसका इंटीरियर वो कैसे एक तरह से डेवलप हुआ. अगला है इंटीरियर ऑफ द अर्थ. इंटीरियर ऑफ द अर्थ अगेन व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू स्टडी डिफरेंट लेयर्स ऑफ द अर्थ, ठीक है, और उसके अलग अलग टाइप हैं जो डिविजन के, कि क्रस्ट मेंटल कोर आपने पढ़नी है, उसके अलावा आपको जो निफे वाली क्लासिफिकेशन दी हुई है वो पढ़नी है, या फिर आपने सियाल सीमा निफे सॉरी वो पढ़नी है, और या फिर आपको उसके अलावा लिथोस्फीयर एस्थेनोस्फीयर ये वाली पढ़नी है. आपको ये तीनों क्लासिफिकेशन पता होनी चाहिए. नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स और ओशन के अंदर जो आ जाती है आपको प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी, जिसके अंदर ही आपके आ जाते हैं क्या अर्थक्वेक्स वोल्केनिज्म, वो सब आपने पढ़ना है इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन. अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट यू नीड टू डू इज ओशनोग्राफी के अंदर क्या है, आइलैंड्स का कैसे बने हैं, और टोपोग्राफी क्या है इसकी ओशन फ्लोर की, ठीक है. नेक्स्ट है कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर. जब कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर की जब बात करते हैं, अभी मैं आपको जो बता रहा था लेयर्स बीनीथ द अर्थ, नाउ वी नीड टू स्टडी लेयर्स अबव द अर्थ. जैसे कि पहले क्या आपने ट्रोपोस्फेयर, ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर, इस तरह से जितने भी लेयर्स हैं आपको पढ़ना चाहिए इनकी कंपोजिशन क्या है, ठीक है, और इनके इफेक्ट क्या है हमारी लाइफ के ऊपर, ठीक है. जैसे स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर ओजोन है, और ट्रोपोस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन है, आइनोस्फेयर हमारे अपने टेलीविजन वगैरह के लिए, अपने सैटेलाइट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सब आपको डिटेल में पढ़ना चाहिए. अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट यू नीड टू डू इज सोलर रेडिएशन एंड हीट बैलेंस टेम्परेचर. सोलर रेडिएशन और हीट बैलेंस टेम्परेचर कैसे, जो हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट है, कि हाउ द लाइफ इज सस्टेनिंग ऑन अर्थ, वो यहाँ आएगा. अगला अगेन हीट बैलेंस, उसके बाद एटमोस्फेरिक सर्कुलेशन एंड वेदर सिस्टम. एटमोस्फेरिक सर्कुलेशन की जब बात करते हैं तो परमानेंट विंड जैसे ट्रेड विंड्स, वेस्टर्ली, इन सब का क्या सिस्टम है, ठीक है, और हाउ दे अफेक्ट आवर लाइफ, हाउ दे अफेक्ट इंडियन मानसून, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके अलावा हमें देखना है आगे एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन के अंदर और जो सर्कुलेशन होते हैं वार्कर सर्कुलेशन वगैरह, वो भी आपने देखना है. नेक्स्ट है ओशन. ओशन का अगेन ओशन ओशनोग्राफी अपने आप में एक टॉपिक है, कि सबसे पहले आपने देखना है कि ओशन हमारी लाइफ को कैसे अफेक्ट कर रहे हैं, मतलब कि ओशन का करंट का मूवमेंट क्या है, ओशन की कंपोजिशन क्या है, जो ओशन का करंट मूव करता है वो कहाँ जाता है. आपको सारे ओशन के करंट अलग अलग पता होना चाहिए, पैसिफिक ओशन के कितने करंट है, अटलांटिक ओशन के कितने करंट है, इंडियन ओशन के कितने करंट है, और मोर इंपॉर्टेंटली उससे भी ज्यादा कि वो करंट अपनी मूवमेंट से कैसे वहाँ की इकोनॉमी को और वहाँ की एटमोस्फेरिक कंडीशन को अफेक्ट कर रहा है. अगला है बायोजियोग्राफी. बायोजियोग्राफी में आपने जो पढ़ना है वो सॉइल्स पढ़नी है, मेनली आपने वेजिटेशन पढ़नी है. वेजिटेशन के अंदर जब हम बात करेंगे तो आप नेचुरल रीजंस पढ़िए, ठीक है, जो कि जीसी लियोंग बुक के अंदर जो नेचुरल रीजंस दिए हुए हैं वो आपको अगर वहाँ से पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारा हेल्प मिलेगी. जैसे कि हम बात करते हैं नेचुरल रीजंस की, तो उसके अंदर ही आप अगर डिटेल में देखें तो एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या है, ठीक है, नेचुरल वेजिटेशन के अंदर
एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या है, ट्रॉपिकल मॉनसून फॉरेस्ट क्या है, ये सारे फॉरेस्ट आपको पता होने चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट इनके अंदर वाइल्ड लाइफ क्या है, ठीक है, इनकी खासियत क्या है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन आता ही हर बार, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंडियन ज्योग्राफी की। इंडियन ज्योग्राफी के अंदर जब बात करें तो हम बात करेंगे सबसे पहले, सबसे इंपॉर्टेंट है सेंसस। इंडिया का सेंसस आपको 2011 वाला आपके टिप्स के ऊपर होना चाहिए, जितनी भी डिटेल्स हैं, जैसे कि पॉपुलेशन, सेक्स रेशियो, ठीक है, चाइल्ड सेक्स रेशियो, अगर आपके किसी स्टेट सर्विस का भी आपने अपने स्टेट के बारे में पता होना चाहिए, ताकि अपने स्टेट का कभी कोई एग्जाम दे रहे हो तो वहाँ वो हेल्प हो सके, या फिर CAPF के इंटरव्यू के अंदर ही आपको इस बात की हेल्प होगी। नेक्स्ट एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर आपने इंडिया की सोइल्स तो पढ़नी पड़नी है एग्रीकल्चर के अंदर, उसके अलावा आपको पढ़ना है कि इंडिया के अंदर कौन कौन सी क्रॉप होती हैं और उन क्रॉप्स के, फॉर एग्जांपल, व्हाट इज द प्रॉपर्टीज फॉर द राइस, व्हाट इज द प्रॉपर्टीज फॉर द व्हीट, अपार्ट फ्रॉम दैट यू नीड टू नो द रीजंस, रीजन मतलब रबी, खरीफ, जैद, ये आपको पता होना चाहिए अगेन, और कौन सी क्रॉप कौन से रीजन में आती है। अगली फिजियोग्राफी, इंडियन फिजियोग्राफी, अगेन इंडिया का जो फिजियोग्राफिक डिवीजन है वो 5 हिस्सों में बांटा गया, वो आपको पांचों करना है। पहला माउंटेन सिस्टम जो कि हिमालयाज, उसके बाद इंडियन प्लेन्स, उसके बाद पेनिनसुलर प्लेटू, एंड देन टू कोस्टल प्लेन, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, और उसी के अंदर आपका जाता है वेस्टर्न घाट्स एक्सेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो आते हैं वो जियोलॉजिकल टाइम स्केल ऑफ इंडिया। जियोलॉजिकल टाइम स्केल ऑफ इंडिया एक टेबल ही है NCERT में, आपको याद कर लेना। अगला इंडियन सॉइल्स, वो एग्रीकल्चर का ही पार्ट है, और लेकिन एक एक सॉइल, जितनी भी टाइप की सॉइल है वो हाईएस्ट क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, ये आपने देखनी है। नेक्स्ट है क्लाइमेट ऑफ इंडिया। अब इंडियन क्लाइमेट को बांटा गया है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास आता है क्लाइमेट ऑफ इंडिया में, वो आपने इंडियन मानसून के ऊपर फोकस करना है। इंडियन मानसून के ऊपर क्वेश्चन आता है, ठीक है, अगेन। नेक्स्ट है अलनीनो और लालीना। जब अलनीनो और लालीना की बात करते हैं, आपको लगेगा कि ये तो फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है, लेकिन नहीं, हमें अलनीनो और लालीना इसी वे में पढ़ना है कि हाउ इट अफेक्ट्स क्लाइमेट इन इंडिया। दैट्स व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट, आई एम काउंटिंग अलनीनो लालीना एज वेल एज द वाटर सर्कुलेशन एंड इट्स अफेक्ट इन इंडियन ज्योग्राफी रादर देन फिजिकल ज्योग्राफी, बिकॉज जस्ट कॉन्सेप्ट पढ़ना काफी नहीं है। जब तक आपको ये पता नहीं चलेगा कि हाउ इट अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ इंडिया, यू विल नॉट बी बेनिफिटेड फ्रॉम दिस पार्ट। नेक्स्ट है व्हाट आर द इंपॉर्टेंट हाईवेज, आपको इंपॉर्टेंट हाईवेज याद करने हैं, इट्स प्रीटी सिंपल, अगेन इंडिया के जो बॉर्डर्स लगते हैं अलग अलग देशों के साथ वो आपने देखना है। नेक्स्ट है प्लेसेज इन न्यूज, ये आपके मैप पर के लिए कभी कोई न्यूज, कोई जगह है जो कि न्यूज के अंदर है किसी इंपॉर्टेंट चीज काम के लिए, किसी की इंपॉर्टेंट न्यूज की वजह से, वो आपने देखनी है। ठीक है, इट इज एज सिंपल एज दैट। अब हम नेक्स्ट जो हम बात करते हैं ज्योग्राफी, क्या पेपर टू के लिए इंपॉर्टेंट है, हाँ, लेकिन बहुत कम, आप उससे एक क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, और वो क्वेश्चन 99% होगा किसके ऊपर, इंडियन मॉनसून के ऊपर, ठीक है, या फिर सबको इंडियन पॉपुलेशन का इशू है जो उसके ऊपर, इससे ज्यादा क्वेश्चन आपका पेपर टू में ऐसे नहीं आएगा। ठीक है, जैसे कि आर्ग्यूमेंट लास्ट ईयर पूछे गए थे इंडियन पॉपुलेशन इज अ बेन और बूम, ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं पूछेंगे। ठीक है, तो यहीं तक ही लिमिटेड है, ज्योग्राफी का सिलेबस ज्यादा है, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने जो आपको सिलेबस दिया है वो पूरा सिलेबस नहीं दिया, हमने सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए और वही आपने प्रिपेयर करनी है। अब अगली चीज हमारे पास आती है कि प्रिपेयर कैसे करें, बुक, व्हाट आर द बुक्स टू रेफर। देखिए, बुक्स आप सिंपल NCERT+1 की दोनों, इंडियन ज्योग्राफी एज वेल एज फिजिकल ज्योग्राफी आप रेफर कर सकते हैं। उसके अलावा आपको जितने भी रिसोर्सेज चाहिए इस सब्जेक्ट को तैयार करने के लिए, हजारों रिसोर्सेज हमारे अभी PDF पोर्टल के ऊपर अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप आइए, ठीक है, और वहां रजिस्टर करिए।